एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा और जो फंक्शन नेक्स्ट क्या बता दो अभी क्लियर किया एक मैसेज प्रिंट करके एंटर नंबर अभी वो नंबर का एक आपको फैक्टोरियल प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल नंबर के जय आउट करना है फॉर लूप लगाया एंड फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लिया एक ही लाइन का कोड है बेटा ये फैक्टोरियल फाइंड आउट हो गया जब लूप ब्रेक होगा तो हम बोल सकते हैं एफ में क्या स्टोर होगा बेटा फैक्टोरियल उसके बाद क्या कर रहे हैं बेटा हम नेक्स्ट लाइन में हम फैक्टोरियल इक्वल टू एफ प्रिंट कर देना है फैक्टोरियल तो एज इट इज प्रिंट होगा एंड एफ क्या करेगा बेटा 120 प्रिंट करेगा एंटर करके चेक चेक करते हैं हम नाउ यू कैन सी द आउटपुट ठीक है फैक्टोरियल इक्वल टू 120 प्रिंट गया जैसे आपका आपका फैक्ट फंक्शन हो गया कंट्रोल होता है कहां पे बेटा मेन में के बाद जो फंक्शन कॉल की नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा तो आपका प्रोग्राम एंटी हो जाएगा समझ में आया बेटा आपको ओके ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप ठीक है क्लियर है थोड़ा इसका यस हो गया चलिए वेरी गुड यहाँ पे क्या है बेटा दो दोस्त हैं एक राम है और एक राज है एक राम है और एक राज है कुछ गिफ्ट दिया किसको राज को ना तो राज ने कोई गिफ्ट दिया राम को ठीक है क्लियर हुआ ना राज ने कोई गिफ्ट क्लियर सर ठीक है सो अब यहाँ पे हम आगे बढ़े अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा एक इसका एग्जांपल को एग्जांपल लोगे क्या फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप ओके देन नेक्स्ट आपका क्या फंक्शन आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू ठीक है फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू मतलब यहाँ पे फंक्शन होगा लेकिन रिटर्न वैल्यू सॉरी आर्गुमेंट तो होगा लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं होगी मतलब क्या होगा बेटा राज भेजा किसको राज को लेकिन राज ठीक है फिर से बोल रहा हूं फंक्शन आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू ठीक है मतलब राज कोई डेटा भेजे राम कोई डेटा भेजेगा राज को राज के पास तो कोई डेटा आ जाएगा लेकिन राज कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला ठीक है राज कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला तो यहाँ पे क्या है बेटा अगेन वापस आ रहे हैं मेन मेन से हम कोई डेटा भेजेंगे ठीक है तो डेटा क्या होगा बेटा ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है ना फैक्टोरियल यस सर का प्रोग्राम है बेटा ये ठीक यस सर यस सर ओके चलिए ठीक है तो बेटा इसमें प्रोग्राम को तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ ठीक है क्या करते हैं बेटा ठीक है एंटर नंबर नंबर हम एंटर करते हैं ध्यान क्या करते हैं बेटा फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं उसके बाद क्या करते हैं बेटा फैक्टोरियल को प्रिंट करते हैं यही कर रहे हैं ना बेटा हम यस सर यस सर चलिए ठीक है नाउ अब हम प्रोग्राम को क्या करते हैं बेटा ये जो प्रोग्राम है ठीक है मैं तो कमेंट्स लगा दे रहा हूँ कमेंट लगाने के बाद मतलब क्या है बेटा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा ध्यान देंगे जैसे ही मैं क्या करता हूँ डबल स्लैश लगाता हूँ तो क्या हो जाता है बेटा कलर चेंज हो जाता है फॉन्ट का क्लियर है यस सर कलर चेंज हो गया ना बेटा नहीं हुआ
सर हो गया। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा कि ये तीन टास्क है, एंटर नंबर, पेट्रोल कैलकुलेट करना, पेट्रोल करना। अब यार क्या मैं बोल रहा हूँ, मेन है वो भेजना चाहता है किसको, फैक्ट फंक्शन को, मेन फंक्शन डेटा भेजना चाहता है कुछ फैक्ट को, कुछ नंबर भेजना चाहता है, कुछ भी भेजना चाहता है, ठीक है, तो भेज सकता है, बताओ इस प्रोग्राम में। सर फैक्टोरियल 5 भेज सकता है उसको, फैक्टोरियल हाँ? 5। हाँ? हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक काम कर रहे हैं, क्या एंटर नंबर, ये हम नंबर कहाँ यूजर से ले ले बेटा, ये यहां से मैं कट कर लेता हूँ, कट किया एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब जो मैं नंबर ले रहा था मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या int n करके, हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, n n को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, क्लियर हुआ। हम क्या करेंगे, एक नंबर ले रहे थे यूजर से, वो हम नंबर कहाँ ले लेंगे बेटा, अब मेन में, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया बेटा, ये एक int नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कोई डाउट, नो सर। चलिए ठीक है, हमने नंबर यहाँ ले लिया, अब बताएंगे जब नंबर हमको मेन में मिल गया है, फैक्टोरियल हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, फैक्टोरियल नीचे वाइड में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वहां पे एन की वैल्यू तो हमको सेंड करना पड़ेगा ना, करना। ये सर करना पड़ेगा। बस वेरी गुड, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे कर देते हैं, सीधा एन लिख देते हैं, एन फॉर एग्जाम्पल यूजर जो भी एंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया 5, तो एन की वैल्यू जाएगी 5, और हमने डायरेक्टली सेंड कर दिया एन, एन क्या बेटा एक इंटीजर नंबर है, इसकी वैल्यू 5 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा क्या इंट, इंट एक्स ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, एन ही ले लेते हैं एन, ठीक है, यहाँ पे हमने सेंड एक्स ले लेते हैं, दूसरा वेरिएबल ले ज्यादा अच्छा है, एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं हमने यहाँ पे, तो जो एन की वैल्यू है, ठीक है, जैसी लाइन एग्जीक्यूट होगी ये फैक्ट किसको कॉल करेगा बेटा, इस फैक्टोरियल डेफिनेशन को कॉल कर देगा, एन क्या होगा बेटा जो हम सेंड कर रहे हैं एन, ठीक है, ये क्या बेटा एक इंटीजर डेटा है, तो जो एन किसमें आएगा बेटा आपका, ये यहाँ पे आएगा एक्स में, ठीक है, एन की वैल्यू किसमें आ जाएगी बेटा एक्स में, लाइक ए कैच कैच, ठीक है, मैंने थ्रो किया और आपने कैच किया, आपने थ्रो किया मैंने कैच किया, ठीक है, तो सिंपल सा गेम है कैच कैच, तो एन की वैल्यू वहां से थ्रो होगी एंड वहां से अगर थ्रो हो रही है तो यहां तो कोई तो होना चाहिए जो बॉल को कैच करे, तो हमने क्या बना दिया एक वेरिएबल एक्स, और एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा बेटा एन, कोई डाउट, नो सर। ठीक है, अब ये तो हो गया बेटा एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, नाउ एक्स मतलब क्या बेटा, एक्स की वैल्यू मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू मतलब जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या बेटा, जो यूजर ने फाइव एंटर सर, किया क्या फाइव। था 5, 5, तो यस एक्स सर। की वैल्यू भी एक्स क्या की होगी वैल्यू भी बेटा क्या होगी 5 होगी, बेटा? एंड मैं लूप चलाऊंगा कहां से कहां तक बेटा, 1 से लेके एक्स तक, मुझे क्योंकि मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, मैं वापस क्या करूंगा बेटा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा और उसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, तो उसको मैं चेंज करके देखता हूँ, यहाँ पे मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे इंट एक्स, तो यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा क्या बेटा इंट एक्स, यहाँ लिख देते हैं बेटा हम इंट एक्स, क्लियर है, फंक्शन डिक्लेयर भी हो गया, फंक्शन कॉल भी हो गया, फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया, नाउ यू कैन सी एंटर नंबर, सो एंटर नंबर मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी बेटा, कर्सर में मूव कर रहा हूँ मेन के अंदर, एंटर नंबर ये एग्जीक्यूट हो गई, एंड नाउ फॉर एग्जांपल हम एंटर कर देते हैं क्या 5, जैसे हम 5 लगा के एंटर करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, फैक्टोरियल इक्वल टू 120 एंड प्रोग्राम इंट, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5, एंड एन की जैसी वैल्यू फाइव। होगी बेटा 5, ये उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी फैक्ट एन, ये फैक्ट किसको कॉल कर देगा बेटा, फंक्शन को कॉल कर देगा, मीन आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, आपका मेन एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा और फैक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, ठीक है, एंड जो हमने कैच सेंड किया था थ्रो किया था, ठीक है, ये एन सेंड हुआ और ये आएगा किसमें बेटा एक्स में, ठीक है,
यहाँ पे ध्यान देंगे, एन एन भी क्या बेटा इंटीजर डेटा है और एक्स भी क्या बेटा इंटीजर डेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, थ्रो करने वाला भी इंटीजर है, कैच करने वाला भी इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हो गई क्या होगा बेटा 5। एंड यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, फैक्टोरियल कैलकुलेट किया एंड फैक्टोरियल को प्रिंट भी कर दिया। कोई डाउट बेटा? नो सर, सर एक बार आउटपुट दिखाए ना सर, आउटपुट के साथ। आउटपुट दिखाएंगे, देखेंगे ना बेटा, जरूर आउटपुट भी देखेंगे। तो आउटपुट बेटा कुछ ऐसा नजर आ रहा है, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सारा आउटपुट सबका सेम ही आएगा। सर एक डाउट मैच था करिए सर, आप वो प्रोग्राम से, प्रोग्राम मैच से करिए मैच करिए आउटपुट को। आउटपुट को। हम्म, सर डाउट बताइए था बेटा, सर, बताइए बेटा। सर वो वहाँ पे जो फैक्ट है ना, इंट के बाद, इंट मेन के बाद, सर वो जो फैक्ट है वो वाइड फैक्ट और इंट एक्स, सर वो पूरा मतलब लिखना, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा या फिर लिखना जरूरी है सर, ये वाला मैं डाउट था मुझे। ये वाला उसके नीचे सर वो जहाँ से सर एग्जीक्यूट वो हो रहा है, स्कैनर के नीचे, सर स्कैनर के नीचे। हाँ 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 सर वही वाला। नहीं बेटा, इसको लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा तो सर वो वाइड फैक्ट और इंट एक्स पूरा लिखना पड़ेगा ना सर, जैसे नीचे नहीं, लिखे। यहाँ पे सिर्फ नाम, फंक्शन का नाम लिखना है इसको। ठीक है, यहाँ पे हमको रिटर्न टाइप नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, सिर्फ फंक्शन का नाम। ठीक और है, ठीक है, नीचे नीचे अगर फ्लोट और ऊपर इंटीजर कर दे तो फिर नहीं होगा ना सर। नहीं, सब जगह सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अमन कुमार है, ठीक है, 10th क्लास में आपका अमन कुमार लिखा हुआ है, 12th में अमन चोपड़ा कर दे तो कैसा है बेटा, आपकी आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी ना, दोनों अलग 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 हो हो जाएंगे जाएंगे, है यस सर। कि नहीं? आपकी आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी फिर तो, आप तो अलग अलग हो जाएंगे, आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि आपने 12th किया है कि नहीं, क्योंकि 12th में तो अमन चोपड़ा लिखा गया है कि नहीं, और आपका नाम है अमन कुमार। आप ये तो प्रूफ कर देंगे कि आप 10th पास आउट है, लेकिन 12th पास आउट है, आप कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या है बेटा, थ्रू आउट आइडेंटिटी सेम रहनी चाहिए। यहाँ पे भी वॉइड फैक्ट है, यहाँ पे भी वॉइड फैक्ट है, एंड यहाँ पे कॉल करते साथ आपको रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिर्फ फंक्शन का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्या इसके तरफ हम कुछ आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं? ये सर कर रहे हैं ना पांच, तो फंक्शन विथ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, लेकिन जो आपका फैक्ट फंक्शन है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है क्या बेटा? नहीं सर। नहीं, इसलिए क्या हो गया इसलिए क्या हो, बेटा, नो रिटर्न टाइप। ठीक है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा आपका इस ये चीज का? यस सर आर्गुमेंट का यूज आर्गुमेंट किया का यूज किया इसलिए इसलिए विथ आर्गुमेंट, एंड रिटर्न कुछ भी नहीं किया, फैक्ट फंक्शन, इसलिए नो रिटर्न टाइप। गुड आउट? नो सर। क्लियर है बेटा क्लियर ये बेटा ये चीज? चीज, यस सर क्लियर। ओके, सर चलिए वेरी गुड, ओके चलिए वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वो हमने इंट वर्ड क्यों इंटीजर लिखा का हुआ? इंट नहीं दे सकते क्या? हाँ हेलो बोलिए बेटा। सर, वो इंट एक्स की जगह इंट नहीं ले सकते क्या? एंट एक्स की जगह ले वाइट सकते हो फैक्ट ना बेटा, इंट कोई एक्स दिक्कत लिखा नहीं हुआ है। यहाँ पर। हाँ इंट हाँ, एन, एंट एन लेना बोल रहे हो, ऐसे हाँ ले सकते हो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, ये एन, ये जो एन है ध्यान रखेंगे, जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये एन किसका एन है बेटा, ये फैक्ट का एन है। ये जो एन है, ये कौन सा एन है बेटा, ये फैक्ट का एन है, इसका स्कोप लोकल है, मतलब ये जो एन है वो यहां से यहां तक एक्सेस हो रहा है। क्लियर है? एंड ये जो एन है, ये यस सर, मेन में एक्सेस हो रहा है। ठीक है, लाइक सिंपल से हम बात करें तो दो सेक्शन है आपका कंप्यूटर साइंस का, तीन सेक्शन है, दो सेक्शन ही अज्यूम करिए, एंड दोनों में अमन है, दोनों में अमन है। ठीक है, एक में ए सेक्शन में भी अमन है एंड बी सेक्शन में भी अमन है, लेकिन दोनों अमन तो अलग अलग है ना बेटा, ए सेक्शन में भी अमन है, बी सेक्शन में भी अमन है, लेकिन दोनों अमन तो अलग अलग है, एक अमन वो, एक अमन
नहीं है, समझ आया? बस उनका नाम सेम हो गया है, ठीक है? कोई सर। डाउट? कोई डाउट बेटा? कोई चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। नाउ सो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया बेटा, आपका कंपाइल एंड रन। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा इसका? स्क्रीनशॉट नो सर, नो सर। ले लेंगे बेटा, ये तो नोट्स में वैसे सब है, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि सब हमने पढ़ा हुआ है। ओके सर, हो गया। हो गया, चलिए वेरी गुड। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया बेटा? नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक है? सो आर्गुमेंट फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है? कोई रिटर्न टाइप या रिटर्न वैल्यू नहीं है। देन नेक्स्ट, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब राम भी गिफ्ट देगा, राम गिफ्ट देगा राज को, और राज भी गिफ्ट देगा राम को, दोनों एक दूसरे का गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक है? तो क्या है बेटा, यहां पे आते हैं वापस, हमने प्रोग्राम पे आ गए, इसी पहले प्रीवियस प्रोग्राम में थोड़ा डिस्कस कर लेते, थोड़ा सा ज्यादा नहीं बेटा। हमने यहाँ वॉइड क्यों लिखा था, वॉइड फैक्ट क्यों लिखा था? इंट मेन तो अभी सा इंट कुछ मेन ही कुछ रहेगा, दे नहीं रहे सर इसके लिए। हाँ, क्योंकि हम कुछ ये जो फैक्ट फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है? ये रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने क्या लिखा कर लिख दिया बेटा, वॉइड, ठीक है? इसीलिए वॉइड, हमें नहीं पता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है? अगर मैं रिटर्न करने की कोशिश करूं क्या होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश करता हूं, कोशिश भी कर लेते हैं, रिटर्न एरर करता हूँ, आपको रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? फैक्टर ना बेटा अपने, उसको मैं रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, लिख दिया ना बेटा अपन ने। यस सर। अब मैं रिटर्न ट्रायल करते हैं अपन, ठीक है? असली मजा रिटर्न ट्रायल में है, ठीक है? सो एरर आ रहा है क्या बेटा आपको? यस हाँ सर, सर, एरर हाँ। आ गया। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे ना तो बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा पहली लाइन में, अपन का जो दिक्कत है ना वो वॉइड मेन से है, एक्सप्लेनेशन में नजर आ रहा होगा बेटा। वो इंट एफ होगा आई थिंक। हाँ, यहाँ पे इंट होना चाहिए था, ठीक है? जो फैक्ट है ना बेटा, यहाँ पे हम रिटर्न कैसा वैल्यू कर रहे हैं बेटा, एफ कैसा वैल्यू है? एफ कैसा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है? यस तो सर, हम इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हमने क्या लिख दिया, वॉइड, रिटर्न टाइप क्या लिख दिया, वॉइड, तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। रिटर्न क्या होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे रिटर्न टाइप होना चाहिए था इंट, ठीक है? जब हम कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे तो हमको रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू रिटर्न किया तो हम फ्लोट रिटर्न करेंगे, ठीक है? अभी वापस आ जाते हैं। नाउ अब हमारा टास्क क्या है बेटा, हमारा टास्क है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब क्या है, प्रोग्राम वही है बेटा, हम बस ऊपर नीचे लिखेंगे। अब राम गिफ्ट देगा राज को, और राज भी गिफ्ट देगा राम को, ठीक है? मतलब मेन से हम डाटा भेजेंगे फैक्ट फंक्शन में, एंड फैक्ट भी कुछ डाटा वापस भेजेगा किसको, मेन फंक्शन को, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देखते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हमने यहां से डेटा तो भेज दिया है, फंक्शन कॉल विथ आर्गुमेंट, हमने यहां से डेटा तो भेज दिया है, डेटा यहाँ आ गया है, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो भी गया है, ठीक है? क्लियर है, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया ना बेटा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम चाहते हैं कि जो फैक्टोरियल प्रिंट करना है वो हम वापस यहीं पे करें, तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देंगे, इसको मैंने क्या किया बेटा, कट कर देता हूं यहां से, ठीक है? अब यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, यहां से हमने क्या किया बेटा, जैसे हमने कॉल किया, सो ये किसको कॉल कर देगा बेटा, आपका ये फैक्ट फंक्शन को कॉल कर देगा, जो हमने एन सेंड किया था, एन की वैल्यू तो 5 थी, सो वो इस एन में आ जाएगी, ठीक है? सो इस एन की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। यहाँ पे हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया, नाउ फैक्टोरियल भी कैलकुलेट हो गया, अब हमारा टास्क क्या बचा हुआ है बस बेटा, प्रिंट करना, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ बेटा, जो आपका फैक्ट फंक्शन है
वो वैल्यू को वापस रिटर्न कर देगा किसको बेटा, रिटर्न कर रहा यहां से मैं रिटर्न कर देता हूँ किसको, मेन को। तो मैंने क्या रिटर्न किया बेटा, रिटर्न एफ। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे ये रिटर्न कर रहा है कौन बेटा, फैक्ट फंक्शन। फैक्ट फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है बेटा, एफ रिटर्न कर रहा है ना, एफ तो इंटीजर वैल्यू है, और जब एफ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, इंट। ठीक है, यस कोई सर, डाउट, कोई डाउट? नो सर। ओके वेरी गुड। अगर एफ फ्लोट होता बेटा, ध्यान रखेंगे अगर एफ की वैल्यू क्या होती, फॉर एग्जाम्पल एफ यहाँ पे जो मैंने डिक्लेयर किया एफ फ्लोट होता, तो फिर से मैं रिटर्न फ्लो एफ ही कर रहा हूँ, तो मतलब मैं फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता बेटा यहाँ पे लिख देता क्या, फ्लोट। रिटर्न टाइप क्या लिख देता बेटा, फ्लोट फैक्ट। क्लियर है? चलिए यस सर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। जब मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो मैं वर्ड लिखता हूँ, जब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है मैं इंट लिखूंगा, जब मुझे फ्लोट वैल्यू रिटर्न करना है मैं फ्लोट रिटर्न लिखूंगा, अगर मुझे कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करना है तो मैं कैर लिखूंगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे हम क्या करते क्या है, इंट लिख देते वापस, क्योंकि हम रिटर्न कर क्या कर रहे हैं बेटा, एफ फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, और एफ रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे बेटा, यहाँ पे। अब ध्यान देंगे ये जब यहां से डेटा सेंड हो रहा है, ये जो रिटर्न कर रहा है ये डेटा किसको रिटर्न करेगा बेटा, इसको। ठीक है ना बेटा, इसी करेगा ना रिटर्न। यस सर, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। सो जो डेटा रिटर्न आया है, ठीक है, अब क्या करता हूँ बेटा, मैं बता दे रहा हूँ मैं क्या कर दूं बेटा, डायरेक्टली यहां कर दूं। ठीक है, मैं यहां पे भी लिख दूंगा क्या फैक्ट को, मैं अगर यहां पे लिख देता हूं तो भी वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, या फिर मैं क्या कर दूं, यहां पे एक्स एक वेरिएबल ले लूं, इन कॉमा एक्स नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं, एंड एक्स इक्वल टू लिख देता हूं क्या, एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो जो भी वैल्यू रिटर्न हुई, ये वैल्यू जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है बेटा वो कहाँ आ जाएगी बेटा, यहाँ पे आ जाएगी, एंड इक्वल टू मैंने एक्स लिखा है तो रिटर्न होगा बेटा 120। तो फैक्ट की वैल्यू 120 होगी और में भी क्या स्टोर हो जाएगा बेटा 120, एंड नेट लाइन में हम क्या प्रिंट कर देंगे बेटा, एक्स को प्रिंट कर देंगे, एक्स को। ठीक है, क्लियर है? इस वे में हम यस वैल्यू सर, रिटर्न कर सकते हैं। यस सर। तो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत आ गया। तो डिक्लेयर कर दिया हमने, गलती नजर आ रही है बेटा आप लोग को, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी? ओके ओके ओके, नजर आ गया बेटा, गलती गलती क्या है बेटा, नजर आया आपको? नहीं, तो बेटा जो फंक्शन है वो कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है बेटा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर, यस सर, तो बेटा डिक्लेयर क्या किया कर रखा अपन ने, नो। डिक्लेयर क्या करके रखा हमने, यस सर, वॉइड। वॉइड। तो दिक्कत तो आ गया ना बेटा,
है, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम में अपना नाम लिखा, ठीक है, अमन कुमार, और रिजल्ट में छप के आ गया क्या बेटा, अमन चोपड़ा, तो हो गई दिक्कत है कि नहीं? तो यहाँ पे भी इंट लिखेंगे ना। नाउ अब कंपाइल एंड रन, अब क्लियर है बेटा? एंटर नंबर, मैं नंबर एंटर करता हूँ 5। सो आपका आ गया बेटा रिजल्ट 120, ठीक है। सो ये क्या हो गया बेटा, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न टाइप या रिटर्न वैल्यू जो भी लिखते हो, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। क्लियर है बेटा ये प्रोग्राम? यस सर, मतलब मेन से हमने डेटा यस सेंड भी किया है कहां पे, फंक्शन में, एंड फंक्शन से वापस मेन में, ठीक है। हाँ सर, बोल, बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। सर वो मेन अगर ऊपर वाले में ना लिखे तो क्या होगा सर? किस्म क्या बोल रहे हो बेटा? सर हाँ सर, वो ऊपर वाले में वॉइड इंट फैक्ट के बाद अगर मेन ना लिखे तो क्या होगा? ये मेन ना लिखे तो ना लिखे तो हाँ सर वही। बेटा मेन से तो एग्जीक्यूशन चालू होता है, ठीक है, मेन से ही तो एग्जीक्यूशन चालू होता है। अगर मेन ही ना लिखोगे तो एरर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सारा प्रोग्राम आप मेन के अंदर ही लिखते हैं, तो सर हम ठीक लेकिन प्री प्री डिफाइंड मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन तो यूज़ कर रहे हैं ना, तो सर प्री डिफाइंड है। फंक्शन का हाँ करे या ना करे फिर उससे क्या फर्क पड़ता है सर? सही बात है बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें तो बेटा क्या बोला जाए, मैं कैसे समझाऊं आपको, ये अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हटा दिया, ठीक है, हमने बना तो दिया है, लेकिन हमने मेन फंक्शन तो नहीं बनाया ना, हमने मेन फंक्शन तो नहीं बनाया है, सो एग्जीक्यूशन चालू कहां से होगा बताओगे बेटा? अब एग्जीक्यूशन चालू कहां से होगा, ठीक है, मैं कंपाइल करने की कोशिश करता हूं इसको, ठीक है, एरर बता रहा है ना, हाँ सर बता रहा है। ठीक है, क्यों बता रहा है? क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन चालू ही मेन से होता है, ठीक है, ये मतलब प्रोग्राम की सेटिंग है, ठीक है, कि जब भी एग्जीक्यूशन चालू हो तो वो मेन से ही चालू हो और मेन में ही खत्म हो, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर अब समझ आ गया। इंट मेन, ये अब अगेन कंपाइल एंड रन करते हैं, यू कैन सी ये 5 हमने एंटर किया, नाउ फैक्टोरियल 120, ठीक है बेटा, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड दिया, हमको हमने कोई डेटा तुमको सेंड किया, तुमने कोई डेटा हमको सेंड किया, ठीक है, मेन ने कोई डेटा फंक्शन में फैक्ट में सेंड किया, फैक्ट ने कोई डेटा फंक्शन में सेंड किया, तो ये चौथी तीसरी कैटेगरी हो गई, समझ में आया बेटा? प्रोग्राम प्रोग्राम वही है, बस लिखने का तरीका हम चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, यस गुड सर, आउट, सर नो सर, चलिए गुड। अब हम एक लास्ट है, लास्ट भी चेक कर लेते हैं, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, ठीक है, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू बट रिटर्न वैल्यू, ठीक है, जो भी लिखना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां ध्यान देंगे, नो आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है बेटा, क्या समझ रहे नो आर्ग्यूमेंट मतलब? मतलब हम कुछ सेंड नहीं करेंगे। हम कुछ सेंड नहीं करेंगे, ठीक है, जब कुछ सेंड नहीं करेंगे तो इस प्रोग्राम में हम कुछ सेंड नहीं करेंगे, ठीक है, हम कुछ भी सेंड नहीं कर रहे, चलिए ये तो हो गया क्लियर, हम कुछ भी सेंड नहीं करेंगे, तो मतलब यहां से मैंने एन हटा दिया बेटा, जब हम कुछ सेंड नहीं करेंगे तो यहाँ पे इंट एन लिखने की जरूरत है कुछ बेटा? जब सामने वाला नहीं बॉल सर। फेंक ही नहीं रहा तो हम कैच क्या करेंगे, सामने वाला थ्रो ही नहीं कर रहा तो हम कैच क्या करेंगे, तो यहाँ इंट एन लिखने की जरूरत है नहीं सर, नहीं है ना, नो सर। यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जब सामने वाला ब्रो बॉल थ्रो ही नहीं कर रहा, हम कैच नहीं कर रहे, तो डिक्लेयर में कर कुछ इंडेक्स लिखने की जरूरत है क्या बेटा, डिक्लेयर करते समय? वो भी जरूरी नहीं है सर।
वो भी जरूरी नहीं है। वेरी गुड, सब समझ गए आप। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब एक नेक्स्ट चीज, जब सामने वाला कुछ डाटा सेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान देंगे, एंटर नंबर, जो मैं यूजर से नंबर मांग रहा था, अगर मैं वो यहां पे ले लूंगा तो मैं डेटा भेजूंगा कैसे यहाँ पे, भेज सकता हूँ क्या? नहीं सर, वहाँ नहीं, नीचे भेजेंगे उसको। नहीं भेज सकता। सो यहाँ पे मेन के अंदर यूजर से नंबर ले कोई बेनिफिट है क्या? नो सर, नहीं है ना। नो सर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, उसको यहां से कट कर दूंगा। जब मेरे को कोई बेनिफिट ही नहीं है तो मैं वहां ले करूंगा क्या? अगर मैं ले ले भी लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यूजर से एन की वैल्यू कुछ ले भी लूंगा, यूजर है 5 एंटर भी कर दे, तो भी मैं भेजूंगा कैसे? भेज तो मैं सकता ही नहीं हूं क्योंकि मैं आर्गुमेंट भेज ही नहीं रहा हूं। तो मैं करूंगा बेटा, एक काम करता हूँ, इसको यहां से कट कर लेता हूँ, कट कर लिया, एंड मैं यूजर से यहीं पे ले लूंगा, मैं यूजर नंबर जो है यूजर से वो यहीं पे ही ले लूंगा। ठीक है, क्लियर है? यस जो सर, नंबर लेना है तो वहां पर डिक्लेयर भी कर देता हूँ एन, ठीक है, और यहां से डिक्लेयर एन डिक्लेयर करने की जरूरत है क्या बेटा? जब मैं नंबर यहां पे ले रहा हूँ एन, तो मैंने डिक्लेयर भी कहाँ कर दिया बेटा? यहां पे डिक्लेयर कर दिया। कोई डाउट? ठीक नो सर। है, अब एक चीज बताएंगे, जब मैं यहां पे नंबर ले रहा हूं तो यहां पे एन डिक्लेयर करके कोई मतलब है क्या? नो सर, एन और एक्स दोनों नहीं आएंगे। हाँ, एन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मैंने यहां से एन हटा दिया, क्लियर है? अब ध्यान देंगे बेटा, नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हाईलाइट कर दिया बेटा मैंने यहाँ पे, नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, मतलब राम कुछ भी नहीं दे भेजेगा, लेकिन राज तो रिटर्न गिफ्ट देगा। ठीक है, मतलब क्या है, मेन से हम कुछ भी नहीं भेजेंगे, लेकिन जो फंक्शन है फैक्ट फंक्शन, वो तो डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, जब वो डेटा रिटर्न करेगा तो हमने डेटा टाइप रिटर्न कैसा वैल्यू करेगा बेटा? फैक्ट, इंटीजर वैल्यू, एफ। एफ क्या बेटा? इंटीजर वैल्यू, तो एन हमने लिखा हुआ है, एंड जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा बेटा वो किस में आएगी बेटा? फैक्ट में आएगी, और एक्स नाम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा हुआ है, जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स में स्टोर हो जाएगी, एंड नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, एक्स को प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके सर, तो कंपाइल कर चेक करते हैं पहले, ये कंपाइल एंड रन नाउ, कंपाइल एंड रन करते हैं, हम एंटर करते हैं 5, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, नाउ यू कैन सी 120। यस सर। हेलो सर, सर वो आवाज कनेक्शन फिर ब्रेक नहीं हो आ गया था, रहा सॉरी। है। ओके अभी आ रहा सर। है बेटा आवाज? यस ओके, सर। सो ये प्रोग्राम समझ में आया बेटा आपको? यस सर। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम कुछ डेटा भेज रहे हैं क्या? मेन से कोई डेटा सेंड कर रहे हैं क्या? कोई आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं क्या? ठीक नो सर, है, फंक्शन कॉल विथ नो आर्गुमेंट, बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं हम, यस बोल सकते हैं सर, ना बेटा? हाँ, हम डेटा यस। रिटर्न कर रहे हैं ना यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, यस सर। मतलब बोल सकते हैं कि रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये हमने जॉइन फॉर्म में बोल दिया कि आप फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, क्लियर है? यस सर। तो ये सिंपल सा वही प्रोग्राम बेटा, प्रोग्राम को हमने लिखने का बस तरीका अप एंड डाउन कर लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे 3-4 प्रोग्राम हैं जो सॉल्व किए हुए हैं नोट्स में, एंड आई होप कि इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, सो ये 4 कैटेगरीज हैं फंक्शन की, और एग्जाम में कई बार आया हुआ है कैटेगरीज ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो बेटा 4 नाम लिखना है और एक ही प्रोग्राम को 4 तरीके से सॉल्व करके दिखा देना है। ठीक है, क्या करना है बेटा? बहुत टाइम लगेगा सर। ठीक है, कोई भी एक प्रोग्राम लिखिए और उसको 4 तरीके से सॉल्व करके दिखाइए, जैसे आपने 4 तरीके से सॉल्व किया ना बेटा इसको,
यस सर, आप पर लोग बहुत कर टाइम दिया लगेगा सर करते करते। बेटा, छोटा सा तो प्रोग्राम है, अभी आपको लग रहा है हैवी, जब सर आप लिखने में टाइम लगता है सर। सर लिखने में टाइम लगेगा सर, 3 घंटे का पेपर आएगा, इतना सर दे देगा तो लिखने में टाइम अरे बेटा जाएगा। सुनिए, जो नॉर्मल आप आंसर लिखते हैं वो, अगर आप थ्योरी पेपर की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड 4 पेज होता है, ठीक है? 4 पेज मतलब 4 साइड एटलीस्ट होना चाहिए स्टैंडर्ड आंसर, जो 7-8 मार्क्स में आते हैं, ठीक है? आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो ना, ग्रेजुएशन के, जो तो थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरी सब्जेक्ट, नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट, तो सॉरी प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो थ्योरी में बेटा 4 पेज तो आपको लिख रही है, अगर आपके 8 नंबर के हैं तो, ठीक है? प्रोग्रामिंग में आप बच जाते हैं, क्योंकि अगर आपका सिंपल सा प्रोग्राम है तो आप एक ही पेज में लिख दिया और आपको पूरे में पूरा मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये कितना बड़ा प्रोग्राम है बेटा, हार्डली 1 पेज का आएगा, तो 4 पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा? बस आपको आना चाहिए, अगर आपको आता है तो मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है? ये चारों तरीके से आप एक प्रोग्राम राइट कर देंगे, ठीक है? अगर आपको आता है तो आप एक इसको चारों तरीके से हार्डली 15 मिनट में आप राइट कर लेंगे मैक्सिमम, ठीक है? सो इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस करेंगे, ये नोट्स देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे जो सर्कल है उसको चारों तरीके से सॉल्व करके बताया हुआ है, ठीक है? ठीक है, एरिया का, सॉरी, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए चारों तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? नोट्स में नजर आ रहा होगा आपको। देन ये आपका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को भी चारों तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए भी चारों तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, सो कुछ प्रोग्राम्स है बेटा, ये नोट्स में जितने भी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे आप इसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है? सो आज एंड हो गई बेटा, कैटेगरीज ऑफ फंक्शन इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? तो लीव कर दे। हाँ मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, 9 पे रहेंगे। नहीं नहीं रुक जाओ बेटा, अटेंडेंस अटेंडेंस, चलिए ठीक है बेटा। जिनको कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं मुझसे, बाकी लोग ग्रुप से लैब कर सकते हैं। मुझे किसी गर्ल्स का ज्यादा आंसर नहीं आता, गर्ल्स को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है, चलिए ठीक है बेटा। आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आंसर करते हैं आप लोग? आप लोग भी आंसर करिए, ठीक है? यस सर। ओके, गुड गुड।